learn the techniques. Everybody is ready for techniques? Yes. कोई शेयर करेगा आपकी भी लाइफ में या कहीं किसी की लाइफ में ऐसा हुआ हो? मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था राजू के जैसा. देखिए ये सेमिनार नहीं, आपको कनेक्ट करना है. इट्स अ इंटरैक्टिव वर्कशॉप. नो डाउट शुरुआत में आपको 5-10 मिनट मेरा सुनना पड़ेगा, फिर तो आप पूरा प्रोग्राम रन करोगे. बहुत सारे एक्सपीरियंस के मौके अभी मिलने वाले हैं 5-7 मिनट के बाद. तो अभी भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कुछ याद आ रहा है कि आपको ऐसी कोई अनजाने में गिफ्ट मिल गई और आप ऐसे बन गए? जैसे मेरे लिए ऐसा था कि साइंस इज वेरी टफ, फिजिक्स तो टेंशन वाला, और मुझे क्या हुआ, फिजिक्स के ही टीचर मिले. यानी कहने का मतलब है कि हम लोग अनजाने में अपने आप को, कहीं टीचर ने बोला कि तुम तो मैथ्स में टफर हो, फिर क्या हो गए हम सच में? दिस आर द स्मॉल एग्जाम्पल. लाइफ में बड़े बड़े कॉस्ट पे करने पड़ते हैं फ्रेंड्स. ऐसा आपकी जिंदगी में कहीं पे भी है तो आप देखिएगा ये टेक्निक से. कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना, तो हम एंटीवायरस डाल के उसको डिलीट कर सकते हैं ना? Yes. तो मैं आपको एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देने वाली हूँ जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है. आप यूज करो, पीछे सारे वायरस पट गए हैं जाने अनजाने में राजू की लाइफ की तरफ, तो निकालो और नए वायरस नहीं आने देंगे, इसकी गारंटी है. सीखनी है ये टेक्निक सबको, एंटीवायरस टेक्निक्स. ऑलराइट, और वो टेक्निक ऐसी है फ्रेंड्स, पहला स्टेप है जब आपको कोई जाने अनजाने में, उनका भी इंटेंशन हो ना हो, आपको कोई ऐसी बात बता दे जो आप नहीं हो, तो पहला स्टेप याद रखो कि आप प्रेजेंट हो जाइए कि ये मेरा गिफ्ट नहीं है, मैं ये नहीं हूं. ये फर्स्ट स्टेप है. दूसरा स्टेप, तुरंत ही पहचान लीजिए कि ये मैं डेजी नहीं हूं. ठीक है, जान लिया तो दूसरा स्टेप है तुरंत ही उसको पॉजिटिव दो स्टेटमेंट दे दीजिए. सॉरी, दूसरा स्टेप है कैंसल कैंसल कह दीजिए. कैंसल कैंसल, जैसे दरवाजे पे कोई आता है तो क्या करते हैं, ओपन किया, हेलो हु आर यू, कौन है आप, नहीं जानती, सॉरी, शट द डोर, करते ना हम लोग कि हाँ 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 चाहिए, क्या है, कहाँ से आए. नो, वी सिंपली क्या कहते हैं, सॉरी आई डोंट नो यू, शट द डोर. कैंसल टू टाइम्स. जहर को काटने में ज्यादा मुश्किल होती है दोस्त, दो बार कैंसल कैंसल. और तीसरा स्टेप है दो हकारात्मक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलिए. जैसे कि आपको बोला गया आप लेजी है, तो आपके लेजी को हम वो कहते थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव सीखते थे ना, विरुद्धार्थी शब्द, दिन तो हमें लिखना था रात, सूरज तो चांद, ऐसा. तो लेजी का पॉजिटिव क्या होगा, एक्टिव एंथुजियास्टिक. So, क्या बोलना है, तुरंत अपने आप को मन में बोलना, ये सारी चीजें मन में, इट्स अ माइंड पावर. आपको बोलना है आई एम एक्टिव, आई एम एंथुजियास्टिक, आई एम एक्टिव, आई एम एंथुजियास्टिक. ये राजू को पता होता तो राजू कभी भी लेजी नहीं बनता. राजू ने क्या जॉब नहीं की, क्या कमाए नहीं पैसे, क्या शादी नहीं हुई, क्या बच्चे नहीं हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ हाफ गर्लफ्रेंड की तरह हाफ हार्टेडली हुआ. कंप्लीट 100% जो राजू डिजर्व करता था वो नहीं हुआ. और ये हमारे साथ जाने जाने होता है. आप पावरफुल है, आपका माइंड पावरफुल है, आपके माइंड को आपको बार बार कहना है सचेत होके. पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप हेलो, पहला स्टेप आइडेंटिफाई कि ये गिफ्ट आपका है. हमारे दरवाजे पे कोई बेल दबाते तो पहला क्या करते, खोल के क्या करते हैं, ये कौन है भाई, जानते हैं क्या, अपने काम का है क्या. सो पहला स्टेप क्या करना है, पहचानो कि आपकी आप ये है क्या, है ना. दूसरा स्टेप, इफ इट इज आपकी वो गिफ्ट नहीं है तो आपको कोई बोल दे अरे आप तो बहुत स्मार्ट हो तो कैंसिल कैंसिल मत बोलना यार, तो फिर पगला गए आप. यस आई एम स्मार्ट, दो बार बोलो तो आपका बूस्ट, आप बूस्ट हो गए, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. लेकिन आपको बोलते अरे तुम तो पागल हो, अरे भाई तू पागल, ऐसा नहीं बोलना है, ये भी गलत है.
एंड फिर तीसरा स्टेप क्या है, लेट मी चेक. अच्छा कुछ डेमो देख के यूज करते हैं, फिर आप एक दूसरे को कीजिए दो मिनट के लिए. इतने प्यार से देख रही हूँ, मुझे लगा मैं इसकी तारीफ ही करूँ, मैं क्या बोलूँ उसको. यू आर सो केयरलेस गर्ल. क्या नाम? ये तो मेरे बेटे का नाम है. आई कैन नॉट से दैट. निशु यू आर अ सो केयरलेस गर्ल. यूज द टेक्निक्स. हाँ अब आप खड़े हो जाइए ना सर, दो मिनट के लिए खड़े हो जाइए सर. नहीं ठीक है, नो बोलना है आपको. ठीक है, नो आई एम नॉट ओके. आप कैसे यूज करेंगे इसको? नो आई एम नॉट. आप खड़े हो जाइए. निशु, निशु ना, एन आई एस एच यू. वाह निशु. ओके इनको हेल्प कीजिए, कैसे यूज करेंगे? एक तो सर ने बहुत हेल्प करने की कोशिश करी. चलो हमने अभी सीखा ना, इसको ऐसे बोल दिया, कैसे इसको हम टेक्निक्स के यूज करेंगे, कौन करके दिखाएगा? हेलो एवरीबॉडी. अच्छा चलिए एक मजेदार काम करते हैं. जब मैं एक बोलती हूं ना तो आपको एक ताली बजानी, बजाएंगे ना? यस. अच्छा दो बोलती हूं तो कितनी ताली? दो. अरे वाह, नहीं तीन ताली बजानी. और तीन ताली, तीन बोलू तो? नहीं तीन बोलती हूँ ना तो साइलेंट क्लैप. सो एवरीबॉडी इज रेडी? वन वन वन. एक साथ नहीं बजती, सब लोग बोलेंगे अभी कुछ होगा तो बेटर है धीरे से बजाते, कब तक कुछ और हो जाए. सब 100% दीजिए. वन 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 फोर. वाह 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 वाह. एवरीबॉडी इज गुड मॉर्निंग. चार के लिए कुछ बोला नहीं था. So, आप सब अपने लिए ताली बजा दीजिए. चलिए एक बार. So, let's help Nishu. I told her you are so careless girl. Please, बेटा एक बार खड़े हो जाओ. कैसे यूज करेंगे? Yes. Yes, क्या? I am a. एंड कुछ और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट. दो यानी कोई भी दो शब्द आपको पॉजिटिव करने हैं. वंडरफुल. पूरा पूरा यूज करके ये थर्ड स्टेप है. पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई. दूसरा कैंसिल कैंसिल. एंड उसके बाद केयरलेस के दो पॉजिटिव शब्द यूज करना है. वंडरफुल. इनके लिए ताली बजाइए. ग्रेट. सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है? जब बच्चे ये एज में जितना जल्दी सीख लेते हैं वो उनकी पूरी जिंदगी के लिए बहुत काम में आता है. तो आई एम सो ग्लैड. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू बेटा. व्हाट इज योर नेम? ओके रुचिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके सर, आपने जो एक अफर्ट्स किया मैं इसमें ऐड करती हूँ. किसी और ने भी बोला नो आई एम नॉट. ये कॉशंस, कोई भी चीज में कॉशंस आती है, चेतावनी आती है. कभी भी दो चीज मत कीजिएगा. क्या तीन चीज करनी है? समझ लिया. दो चीज कभी भी मत कीजिएगा. पहले कोई बोलेगा कि यू आर अ केयरलेस, तो ये बोलेगी हाँ मैं नहीं हूं, तू केयरलेस है. ये एक तो नहीं करना है, यानी बाउंस नहीं देना है, वापस नहीं देना है. और दूसरा ये नहीं कहना है नो आई एम नॉट केयरलेस. ये भी नहीं कहना है. क्यों नहीं कहना है? चलिए सब अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ समझाती हूँ. आंखें बंद कीजिए सब अपनी. अब कहाँ आंखें बंद करेंगे? आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा, ना तो कोई कबूतर बनने वाला है. आंखें बंद करते हुए, आंखें बंद रखते हुए ही आप देखिए कि आपके आसपास नेचर प्लेस है, जहां पे नदी बह रही है, बहुत सारे नदी के किनारे पेड़ है, और पेड़ के ऊपर बहुत सारे पंछियों की आवाज आ रही है, और वहां पे एक घने पेड़ के नीचे हाथी खड़ा हुआ है जो आपको बिल्कुल नहीं देखना है. वो जो हाथी खड़ा हुआ है उसके पीछे जो एक नदी के किनारे बहुत सुंदर प्यारी सी नैया लगी हुई है, नौका लगी हुई है, बोट लगी है, उसको देखना है, लेकिन वो हाथी को नहीं देखना है. हाथी को बिल्कुल नहीं देखना है. बढ़िया, थैंक यू. अब आप सब अपनी आंखें खोलिए और
राइट, सबको क्या दिखा? मैंने मना किया था यार आप सबको, मैंने बिल्कुल मना किया था आपको। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ, नो आई एम नॉट अ केयरलेस। क्या हुआ आप? नो आई एम नॉट अ केयरलेस, तो कौन से शब्द पे एम्फेसाइज हो रहा है? केयरलेस शब्द पे। प्राइमरी शब्द कौन सा हो गया? Careless. नहीं नहीं, अब दूसरा एक गलती और करते हैं, तुम तो है ना बहुत टफर हो। नहीं नहीं, मैं तो बहुत होशियार हूं, ये भी गलत है। देखिए टेक्निक्स का मतलब ही है आप 100% सीखे, नहीं तो वो टेक्निक्स काम की नहीं है। हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते तो एक भी कोडिंग उसमें इंस्टॉल नहीं होता तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। आप ये टेक्निक्स 100% नहीं सीखेंगे तो ये प्रोग्राम आप रन नहीं कर पाएंगे, फिर बोलेंगे टेक्निक्स काम की नहीं है, कुछ मजा नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो 100% सीखेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको कोई बोल दिया, निशु को बोल दिया कि आप केयरलेस हो, तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो एक्टिव हूं, मैं केयरलेस नहीं हूं, मैं तो बहुत स्मार्ट हूं। ये भी नहीं बोलना है, नहीं करके नहीं बोलना है। आपको ये जो सिस्टम दिखाई है उसी हिसाब से आप जब करते हैं तब आपको जरूर से फायदा होगा। और माइंड के अंदर जाने अनजाने में हम लोग ऐसे अनवांटेड गिफ्ट ले लेते हैं। तो पहला तो ये टेक्निक्स है जो आपको प्रेजेंस होके यूज करना है। लेकिन एक बात और, बच्चे जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, ये किसी ने बोल दिया टीचर ने कि तुम तो ना मैथ्स में बहुत टफर हो, वो खड़ा हो जाएगा, आइडेंटिफाई करेगा, मैडम ये मेरी गिफ्ट नहीं है, कैंसल कैंसल, मैं तो बहुत होशियार हूँ मैथ्स में, मैथ्स मेरा बहुत अच्छा विषय है। तो बोलेंगे अरे भाई तू अब ये टेक्निक्स आपको व्हाट क्या यूज करनी है, सब कुछ दिमाग के अंदर यूज करना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट टेक्निक्स, दिस इज अ फर्स्ट टेक्निक। यस सर, कोई इसका वापस रिएक्ट कैसे करना है? क्या जैसे कोई बोलेगा कि आप डफर है, डफर है, वेरी डफर भी नहीं बोलना है, वो लाइक उसको अपनों को रिएक्ट क्या करना है वापस? वेरी ट्रू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने माइंड में, आप रिएक्ट करोगे तो क्या करोगे, ऐसे जो सिखाया कि मैं तो एक्टिव हूं, मैं एंथुसियास्टिक हूं, यही बोलोगे। अब उसी वक्त किसी ने बोल दिया आप लेजी हो तो वो मानेगा नहीं, हो और दूसरा बोल देगा आपको कि नहीं तुम तब तो डफर भी हो, मान भी नहीं रहे हो। आपको कुछ नहीं करना है, स्माइल देना है। क्योंकि मुझे ये इस क्वेश्चन का जवाब ये दीजिए, हम जो बारिश होती है क्या उसको रोक सकते हैं? क्या करते बारिश को बचने के लिए? छाता या रेनकोट या कुछ तैयार के बगैर निकले तो कोई छत के नीचे खड़े हो जाते, खड़े हो जाते ना। फ्रेंड्स, वी कांट स्टॉप द रेन, वी यूज द अम्ब्रेला फॉर दैट। दिस इज द टेक्निक्स इज नथिंग बट द अम्ब्रेला, आपको बचाएगा। कितने तक कुछ भी रिएक्ट करना नहीं है, रेस्पॉन्ड भी नहीं करना है। बाय द वे हंस के बोलो थैंक यू, थैंक यू, बोलेगा पागल हो गए। हाँ But आपको जी मैम, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। इसको माइक कोई और वहां तक, आप थोड़ा आगे आ जाओ ना बच्चा, इसको आपने बोला लास्ट में कि जो बिगर क्वाड्रेंट है दैट व्हाट यू डोंट नो द अदर्स नो, सो आई एम सेइंग दैट इट्स मेनी थिंग्स दैट पीपल से दैट यू डोंट नो अबाउट योर कैरेक्टर एंड दे से दैट दिस इज इट, लाइक दिस इज द थिंग व्हिच इज यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग। सो इफ यू विल से एवरीथिंग दैट नो दिस इज नॉट, नो आई एम नॉट केयरलेस, सो हाउ विल इम्प्रूव? वेरी नाइस। जैसे कि हमें हमारे बारे में नहीं पता, किसी ने कुछ भी बता दिया कि मैं लेजी हूं, बट हमें नहीं लेना है। तो आप तो अपने आप को बोल रहे हो ना कि मैं एक्टिव हूं, आपको पता चल गया कि ये मेरी गिफ्ट नहीं है, मैं लेजी नहीं हूं, तो आपने आइडेंटिफाई किया, कैंसिल कैंसिल किया, ये दरवाजे पे मेरा जो कोई आया है वो मेरा नहीं है, आपने उसको कहा सॉरी करके निकाल के बोला, आपने दरवाजा बंद कर दिया। तो और फिर क्या बोला, मैं एक्टिव हूं, मैं एंथुसियास्टिक हूं, तो अपने आप वो वायरस नहीं घुसेगा। So, आप तो लेजी नहीं बनेंगे, चाहे उनका क्या सोच। देखिए हम
सोचो, आप जब आपके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे, आपके बारे में कॉन्फिडेंट होंगे, अपने आप लोगों के नजरिए आपके प्रति ऐसे होते जाएंगे, यकीन मानिएगा, यकीन मानिएगा। ये सर इसका एक एग्जांपल ये भी ना, जैसे मोदी जी के बारे में लोग नेगेटिव बोलते रहते हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं अभी अभी नहीं ये बात करेंगे। थैंक यू, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए का, बहुत अच्छा। चलिए हम सिर्फ अभी हमारे माइंड को इम्प्रूव कैसे करें, माइंड की पावर को, उसके ऊपर हम आगे जाएंगे नेक्स्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। छोटी सी कहानी से बात करूंगी, गेम के लिए टाइम नहीं है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज, एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करवाऊंगी इसके बाद, जहां पे एक्सपीरियंस होगा। दो टेक्निक है, एक एंटीवायरस कैंसल वाला इंस्टॉल कर दिया, आई एम श्योर यू हैव इंस्टॉल्ड इट, यस, प्लीज डू दैट फॉर योर लव्ड वंस आल्सो एट होम एंड फैमिली एंड बिजनेस। दूसरा है एटीट्यूड इज द ओनली प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर माइंड पावर, पॉजिटिव माइंड पावर। आप एक हनीबी का बच्चा था, जो दो बच्चे एक साथ पैदा हुए, कंसीडर ये कहानी है समझने के लिए, और उसके पापा ने कहा कि आप जाओ बेटा, मधुमक्खी का बच्चा होता है कि आप उड़ के आओगे तो आपके पंख फैलेंगे, आप जी पाओगे, और दोनों बच्चे अलग अलग दिशा में उड़ने लगे, क्योंकि उड़ के वापस आएंगे तो पंख फैल जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे और जिंदा रह पाएंगे, ये कहानी है समझने के लिए। जब वो दोनों बच्चे वापस आए तो पापा ने पहले एक बच्चे को पूछा, बेटा आपकी जिंदगी की पहली उड़ान थी, कैसी रही? तो एक बेटे ने कहा, क्या पापा, खाक है ये जिंदगी।